हाय दोस्तों, केमिति अच्छ आशा करे भल ओडिशा से मैं सत्य आपको स्वागत करता हूँ मेरे चैनल नेचर सत्य पर। तो दोस्तों, आज मेरे हाथ में है ये प्रूनर एंड इसके साथ है ये शार्प नाइफ एंड है ये फंगीसाइड पाउडर। दोस्तों मेरे सामने एंड मेरे साथ है ये मेरा प्यारा सा जो आडेनियम प्लांट जो कि अभी फ्लावरिंग नहीं करता है क्योंकि अभी नवंबर महीने चल रहा है एंड आपको पता है नवंबर में यानी विंटर जब शुरू हो जाता है विंटर सीजन में ये जो आडेनियम के प्लांट्स ये डरमासी में चले जाते हैं। तो हम लोग सोचते हैं डरमासी में हम लोग इनके प्रून नहीं करना चाहिए, तो ऐसा मैं भी सोचता था। मेरे हाथ में पिछले साल ऐसे प्रूनर था, ऐसे शार्प नाइफ था एंड मैं करता था कटिंग एंड प्रूनिंग किसकी ना आडेनियम प्लांट की, लेकिन मेरे आडेनियम एंड जो प्लांट्स है वो ख़राब हो जाता था। तो उसके एक्सपीरियंस से मैं आज आपके साथ एक छोटा सा वीडियो में कुछ शेयर करने वाला हूँ, वो है क्यों हम लोग डरमासी में यानी विंटर के सीजन में एंड पिछले जो गया रेनी सीजन में भी हम लोग को क्यों आडेनियम के प्लांट को प्रूनिंग करना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रूनिंग हम लोग क्यों करते हैं, प्रूनिंग इसलिए करते हैं ताकि ये जो प्लांट्स हमारा है, ये जो आडेनियम प्लांट्स है प्लांट है हमारा, इसके थोड़ा ज़्यादा ब्रांचेस हो जाए, इसमें थोड़ा स्प्राउट्स निकल के ज़्यादा फूल आम को सीजन में दे इसलिए। लेकिन दोस्तों दिक्कत यह होता है कि विंटर सीजन में इसकी जो स्प्राउट्स नहीं निकलता है लो टेम्परेचर की वजह से, तो इसलिए हम लोग को बिल्कुल ही प्रूनिंग नहीं करना है। अगर आप टेम्परेचर मेंटेन भी कर लो तो ऐसा होता है रात में ज़्यादा फॉग भी पड़ता है, तो जब फॉग ज़्यादा पड़ता है तब प्लांट्स की जो रटिंग होना का जो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए हमें बिल्कुल भी विंटर में प्रूनिंग नहीं करना है। एंड अगर कुछ कंडीशन ऐसा आता है, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आता है जैसे कि आपकी कुछ प्लांट्स ख़राब होते हैं इसलिए आपको तुरंत ही सर्जरी करना पड़ेगा प्लांट का, तब आप कर सकते हो, लेकिन कुछ प्रिकॉशन ले के एंड वहाँ पर आपको थोड़ा मुश्किल की सामना करना पड़ सकता है, हो सकता है आपकी प्लांट पूरी ख़राब हो जाए, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन ऐसा आता है। लेकिन अगर आपके प्लांट सही सलामत है तो आप इस दो तीन महीने जो नवंबर दिसंबर जनवरी तक आपको बिल्कुल ही इसके जो प्रूनिंग के बारे में सोचना नहीं, एंड अगर आपके फ्रेंड्स भी ऐसे सोच रहे उसको भी उनको भी मना करना है। तो दोस्तों बात अब आता है हम लोग इसकी प्रूनिंग कब करें। दोस्तों याद रखें हम लोग को जनवरी महीने के बाद यानी फरवरी से मार्च तक इसकी प्रूनिंग कर देना चाहिए क्योंकि अप्रैल से एंड मार्च की मिडिल से इसके जो फ्लावरिंग सीजन शुरू हो जाता है। तो दोस्तों इसके बाद अगर हम आप लोग फरवरी में मिस कर देते हो, प्रूनिंग नहीं कर पाते हो, तो फिर आपको सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर में जब आपकी विंटर अराइवल नहीं हुआ होगा एंड अगर आपकी टेम्परेचर मेंटेन रहता है तब आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हो एंड आपको अच्छा रिजल्ट भी देखने मिलेगा। तो दोस्तों अभी बात आता है हम लोग डरमासी में इसकी जो केयर कैसे लें। दोस्तों डरमासी में आपको बिल्कुल भी इसे ध्यान देना नहीं चाहिए, आपको दूसरे आपके जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स है उनके केयर लेना है। बस आपको महीने में एक दो बार इनकी वाटरिंग कर देना है एंड कुछ भी केयर लेना ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो फिर आप इसे पॉट से निकाल के ऐसे उल्टे हैंग भी कर सकते हो। इसके द्वारा क्या होगा, इसको जो कोडेक्स है वो पिछले सीजन में जब आप इसके रिपोर्टिंग करेंगे तब आपको थोड़ा मोटा कोडेक्स मिल जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऐसे भी घर में बहुत ही कम रहता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ, तो ये जो पिछले सीजन में कहाँ होगा मुझे पता नहीं, तो इसलिए मैं इसका जो रिस्क नहीं लूँगा। आप अगर घर में हो आप ले सकते हो। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस जो कि आडेनियम के बारे में है एंड इसका कंक्लूजन इतना ही है, बस आपको नवंबर के महीने से शुरू होने से विंटर जब तक है आपके एरिया में तब तक आपको इनके प्रूनिंग के बारे में सोचना भी नहीं है। तो इतना ही था मेरा इन्फॉर्मेशन, सोचता हूँ आपको मेरा इन्फॉर्मेशन सही लगा होगा एंड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आपके काम में मेरा जो इन्फॉर्मेशन आया है देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ये आपकी ऑप्शनल है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।